हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम में कन्वेंशंस की। तो देखिए, इस कुछ सर्टेन एल्गोरिथम जो है, कुछ सर्टेन कन्वेंशन एज्यूम किए जाते हैं या माने जाते हैं जब भी हम किसी एल्गोरिथम को प्रेजेंट करते हैं। तो आज सिंपली हम इसको लिख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन। ठीक है, इन प्रेजेंटिंग द एल्गोरिथम। जब भी हम किसी एल्गोरिथम को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हम मान के चलते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे इसको फॉलो किया जाता है। तो अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, डिफरेंट स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हम फिर से एल्गोरिथम लिखते हैं। तो मान लीजिए हमने एक एल्गोरिथम लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं एल्गोरिथम, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने कहा कि ये हमने लिखा एल्गोरिथम, उसका हमने कुछ भी नंबर दे दिया। सपोज कीजिए हमने दे दिया एल्गोरिथम 4.1। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिखा लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक, अब इसके बाद हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा। तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा कि ए नॉन एम्प्टी एरे, ये लिखा हमने ए नॉन एम्प्टी एरे, एरे का नाम दे दिया हमने डाटा। ठीक है, विद एन न्यूमेरिकल वैल्यू इज गिवेन, विद एन न्यूमेरिकल वैल्यूज इज गिवेन, ये एरे दी हुई है। दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन LOC, हमने लिखा दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन LOC, ये हमने वेरिएबल लिया, एंड द वैल्यू, एंड द वैल्यू मैक्स, ठीक है, ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट, ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा। ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया कि ये एरे क्या काम करती है। ठीक, इसके बाद हमने लिखा द वेरिएबल के इज यूज्ड एज, इसके बाद हमने लिखा द वेरिएबल के इज यूज्ड एज ए काउंटर, इज यूज्ड एज ए काउंटर। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया कि एल्गोरिथम लिखना शुरू किया। तो पहले हमने लिखा स्टेप 1, स्टेप 1, फिर हम लिखेंगे स्टेप 2, फिर हम लिखेंगे स्टेप 3, फिर हमने लिखा स्टेप 4, और फिर हमने लिखा यहां पे स्टेप 5, स्टेप 5। ठीक, अब स्टेप 1 में हमने लिखा, देखिए आपको समझने के हम लिख भी दे रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। यहां हमने लिखा इनिशियलाइज, ठीक है, ये लिखा हमने सेट के इक्वल टू 1, LOC इक्वल टू 1 एंड मैक्स इक्वल टू पहला एलिमेंट, तो डाटा 1। ठीक, उसके बाद इंक्रीमेंट काउंटर करेंगे, तो हमने लिख दिया, यहाँ लिखा हमने इंक्रीमेंट काउंटर, इंक्रीमेंट काउंटर, ये हो जाएगा सेट के इक्वल टू
के प्लस वन, के इक्वल टू हमने लिख दिया के प्लस वन, ये इंक्रीमेंट कर दिया हमने। अब उसके बाद यहां हम लिखेंगे टेस्ट काउंटर, इसमें क्या हो जाएगा, हमने यहां चेक किया टेस्ट काउंटर लिखने के बाद कि इफ के इज ग्रेटर देन एन देन, यहां लिखा हमने राइट एलओसी कॉमा मैक्स एंड एग्जिट, बाहर आ जाइए, ठीक है। और कंपेयर एंड अपडेट, कंपेयर एंड अपडेट, यहां पे क्या होगा, कंपेयर करेंगे और अपडेट करें। तो आपने यहां पे चेक किया इफ मैक्स में जो वैल्यू है वो छोटी है डाटा के से, डाटा के से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन सेट एलओसी के की वैल्यू एलओसी में डाल देंगे और डाटा के को मैक्स बना देंगे, एंड मैक्स हो जाएगा कितना, डाटा के, क्योंकि हमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए ये। और फिर हमने यहाँ पे स्टेप फाइव में लिख दिया रिपीट लूप, यहाँ हमने लिखा गो टू स्टेप टू। तो देखिए किसी भी एल्गोरिथम को इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है और क्या काम करता है, तो पहले हम आपको यहाँ पे स्टेटमेंट मार्क कर दे रहे हैं और फिर उन स्टेटमेंट्स के बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। तो अब देखिए जैसे हम लोग बात करें कि ये स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है, ठीक है, जैसे ये है आइडेंटिफाइंग नंबर, ठीक है, तो या हम एक काम करते हैं यहाँ स्टेटमेंट नंबर दे, चलिए अच्छा हमने ये हमने स्टेटमेंट क्या है, ये है आइडेंटिफाइंग नंबर, ये सेम कलर में तो मिक्स दिक्कत हो जाएगी, इसको आप ये लीजिए, ये क्या है, ये है आइडेंटिफाइंग नंबर, ठीक। उसके बाद स्टेप्स कंट्रोल एग्जिट, ठीक है, तो स्टेप कंट्रोल एग्जिट, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद कमेंट स्टेटमेंट आते हैं, वेरिएबल स्टेटमेंट आते हैं। तो अब आप आ जाइए कि स्टेट कौन कौन से सर्टेन कन्वेंशन यूज होते हैं जब भी हम किसी एल्गोरिथम को प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है आपका ये जो अभी हमने लिखा आइडेंटिफाइंग नंबर, आइडेंटिफाइंग नंबर। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि एल्गोरिथम, सपोज कीजिए हमने लिखा एल्गोरिथम 4.1, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ चैप्टर का कि फर्स्ट एल्गोरिथम हो गई, ठीक। तो इसको बोलते हैं एल्गोरिथम नंबर। या जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हमने लिखा प्रॉब्लम 5.2, तो इसका मतलब क्या हुआ, चैप्टर 5 की सेकेंड प्रॉब्लम। या हमने कहा एग्जाम्पल, तो हमने ऐसे लिखा एग्जाम्पल 6.1, इसका मतलब हुआ 6 चैप्टर की फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इसी कन्वेंशन को बोलते हैं आइडेंटिफाइंग नंबर, ये पहली चीज हो गई, ठीक। अब आप आ जाइए नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट होता है स्टेप्स कंट्रोल एंड एग्जिट। इसमें क्या होता है कि द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, जैसे हमने स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री ऐसे लिखा हुआ है, अनलेस इंडिकेटेड अदरवाइज कंट्रोल मे बी ट्रांसफर टू स्टेप एन ऑफ द एल्गोरिथम बाई द स्टेटमेंट गो टू स्टेप एन। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेप फाइव में हमने दिया है गो टू स्टेप टू, यानी कि स्टेप फाइव ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू स्टेप टू इन एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या हुआ कि
गो टू स्टेटमेंट मे बी प्रैक्टिकली इलिमिनेटेड बाय यूजिंग सर्टेन कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तो स्टेप्स हो गए, कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए गो टू स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ सेवरल स्टेटमेंट्स अपीयर इन द सेम स्टेप देन दे आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कई स्टेटमेंट दे दिए एक ही स्टेप में, जैसे आपने कहा सेट के इक्वल टू 1, फिर आपने लिखा था LOC इक्वल टू 1, और फिर आपने लिखा था एंड मैक्स इक्वल टू डाटा 1। अभी हमने एल्गोरिथम में ये स्टेटमेंट दिया था डाटा 1। तो अगर एक ही स्टेप में देखिए एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट इस तरह दिया हुआ है, तो ये लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। यानी सबसे पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, और उसके बाद ये होगा, ठीक है। द एल्गोरिथम इज कंप्लीटेड व्हेन द स्टेटमेंट एग्जिट इज एनकाउंटर्ड। दिस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द स्टॉप स्टेटमेंट यूज्ड इन फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम लास्ट में एकदम जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो एग्जिट स्टेटमेंट होता है। मतलब जब एल्गोरिथम आपको बंद करना हो, जैसे फ्लो चार्ट में हम लोग स्टॉप स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे ही एल्गोरिथम में हम एग्जिट स्टेटमेंट देते हैं, ठीक। ये चीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कमेंट्स। एल्गोरिथम में हम कमेंट्स भी लिखते हैं, कमेंट्स। तो कमेंट्स कैसे आता है, ईच स्टेप में कंटेन ए कमेंट इन ब्रैकेट्स विच इंडिकेट्स द मेन पर्पस ऑफ द स्टेप। देखिए जैसे हर स्टेप में हमने इनिशियलाइज, इंक्रीमेंट काउंटर, कंपेयर एंड अपडेट ये लिखा हुआ, इस तरह लिखा हुआ हमने, तो इस तरह के स्टेटमेंट को कमेंट्स बोलते हैं, और इनको हमेशा ब्रैकेट में दिया जाता है, ठीक। और इसमें क्या रहता है कि उस स्टेप का जो मेन पर्पस है, उस स्टेप में क्या हो रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है, उस चीज को मेंशन किया जाता है। द कमेंट विल यूजुअली अपीयर एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द स्टेप। तो कमेंट या तो शुरू में दे दिया जाता है स्टेप के, फिर स्टेप लिखा जाता है, या लास्ट में दे दिया जाता है, फिर स्टेप लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वेरिएबल्स नेम। एल्गोरिथम में वेरिएबल्स नेम्स विल यूज कैपिटल लेटर। जैसे हमने देखिए मैक्स यूज किया है, ठीक, एलओसी यूज किया है, डाटा यूज किया है, तो जो वेरिएबल नेम है जनरली वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। सिंगल लेटर नेम्स ऑफ वेरिएबल्स यूज एज काउंटर्स और सबस्क्रिप्ट्स will also be capitalized in the algorithm K and N, for example। तो जो variable name है वो capital letter में लिखे जाते हैं, और जो single letter है जैसे हमने K लिया है या N लिया है, या मान लीजिए किसी उसमें algorithm में हमने और कोई letter ले लिया, S ले लिया, इस तरह से, तो जो single letter names of variable है they are used as counter or subscripts, और ये भी capital form में होते हैं। Even though lower case may be used for this same variable in the accompanying mathematical description and analysis, generally capital letters use किया जाता है, वैसे आप small letters भी use कर सकते हैं countering के लिए, as a counter use करने के लिए। उसके बाद next जो statement आपको दिखता है वो होता है assignment statement। Assignment statement क्या होता है algorithm में, कि असाइनमेंट स्टेटमेंट में कोई डाटा वैल्यू हम असाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ऐसे हमने लिखा मैक्स डबल कॉलम ये, और यहाँ हमने लिखा डाटा वन, डाटा वन, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर का तरह काम करता है, और ये इस वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन कर देता है। जनरली ये सिंबल जो आया है ये पास्कल लैंग्वेज से आया है, ये ध्यान रखिएगा, पास्कल लैंग्वेज से, ठीक। कुछ टेक्स्ट में या कुछ जगह पे आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आपने मैक्स लिखा, एरो बना दिया, आपने लिख दिया डाटा वन, तो ये कन्वेंशन भी यूज कर किया जाता है, असाइनमेंट की जगह एरो आप बना दीजिए। या कुछ जगह सीधा सीधा मैक्स इक्वल टू डाटा वन लिख देते हैं, तो इनमें से कोई भी कन्वेंशन आप यूज करते हैं
असाइनमेंट स्टेटमेंट देने के लिए एल्गोरिथम में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के लिए क्या होगा, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट करने के लिए डाटा में भी इनपुट एंड असाइन टू वेरिएबल्स बाय मींस ऑफ ए रीड स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग वर्ब। मतलब आप ये लिखेंगे रीड और यहाँ पे आपने वेरिएबल नेम दे दिया, वेरिएबल नेम। तो इस वेरिएबल में जो भी डेटा वैल्यू होगी वो इनपुट हो जाएगी। सिमिलरली मैसेजेस प्लेस्ड इन कोटेशन मार्क्स एंड डेटा इन वेरिएबल्स में भी आउटपुट बाय मींस ऑफ ए राइट और प्रिंट स्टेटमेंट। अगर आपको आउटपुट स्टेटमेंट देना है तो आप लिखिए राइट और आपने यहाँ जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो लिख दिया आपने, या वेरिएबल नेम लिख दिया, वेरिएबल नेम। तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं एल्गोरिथम के अंदर। और लास्ट जो बचता है आपका प्रोसीजर, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर कैसे लिखा जाता है, द टर्म प्रोसीजर विल बी यूज्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम मॉड्यूल विच सॉल्व्स ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। द यूज ऑफ द वर्ड प्रोसीजर और मॉड्यूल रादर देन एल्गोरिथम फॉर ए गिवन प्रॉब्लम इज सिंपली ए मैटर ऑफ टेस्ट। ठीक है, जनरली स्पीकिंग द वर्ड एल्गोरिथम विल बी रिजर्व फॉर द सोल्यूशन ऑफ जनरल प्रॉब्लम। तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि चाहे आप प्रोसीजर वर्ड यूज कीजिए या आप मॉड्यूल यूज कीजिए या आप एल्गोरिथम यूज कीजिए, ये आपके चॉइस पे है। लेकिन अब इसमें उसने एक चीज कहा है कि एल्गोरिथम वर्ड जनरली यूज किया जाता है इन द सॉल्यूशन ऑफ जनरल प्रॉब्लम और प्रोसीजर और मॉड्यूल, द यूज ऑफ द वर्ड प्रोसीजर और मॉड्यूल फॉर ए गिवन प्रॉब्लम इज सिंपली एज ए मैटर ऑफ योर चॉइस। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ ए एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए कन्वेंशनल वे। अब इसमें कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको एल्गोरिथम डेवलप करना आ रहा होगा, आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।